गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज ये 1 फरवरी 2022 9:17 हो गए दोस्तों। थोड़ा सा लेट हो गया आज, दस माफी चाहूंगा उसके लिए, पर आज बजट का दिन है। 1 फरवरी हर साल बजट का दिन होता है, तो आज का दिन जो है ब्रोकर के अंदर जो एम्बिग्यूटीज रहते हैं उसको अवॉइड करने के लिए आज के डेट हम पेपर ट्रेड कर रहे हैं। और यहाँ पे हम स्टार्ट कर देते हैं हमारे एल्गोहेड बॉट। आपको एक नया चीज बताऊंगा, ये एल्गोहेड बॉट आपको आज से हम 5 मिनट टाइम फ्रेम में ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे दोस्तों। जी हाँ, हमारा जो है एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे देखिए हमारा ट्रेड मैनेजर लूप और स्ट्रेटेजी मैनेजर लूप दोनों चलना शुरू हो गया है दोस्तों। एंड यहाँ पे आप टीएम लूप एसएम लूप यहाँ पे बहुत क्लियर कटली देख सकते हो। मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे देखिए ब्लैक स्क्रीन में दिख रहा है। हम एक बार के लिए चार्ट्स के ऊपर चले जाते हैं और चार्ट्स हम देखते हैं फायर्स का। तो login.fires.com में जाते हैं और यहाँ पे हम चार्ट्स देखते हैं। थोड़ा यहाँ पे लॉग बुक चेक करते हैं कि हम प्रीवियस कैंडल डेटा अटेम्प्टेड टू बी अपडेटेड और 9:10 में अपडेट होना था, पर वो अपडेट नहीं हुआ। नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज, फाइन दोस्तों, क्योंकि 9:10 में कोई कैंडल ही नहीं बनता हमारा। और एक अटेम्प्ट आएगा दोस्तों, नो वरीज फॉर दैट। प्लीज चेक रियल टाइम डेटा इज स्ट्रीमिंग और नॉट, के लिए भी टाइम लग रहा है। और यहाँ पे रियल टाइम डेटा स्ट्रीमिंग होना जो अलाइज ब्लू से बंद हो गया है। देखिए यही चीज के बारे में मैं आपको बता रहा था दोस्तों, आज के दिन ये वाला इश्यू हो सकता है। तो वापस से मैंने रीस्टार्ट किया मेरे एप्लीकेशन को और वहां से अभी डेटा आना शुरू हो गया है। देखिए वापस हमने जैसे ही हमने स्टार्ट किया, यहाँ से डेटा आना शुरू हो चुका है दोस्तों। तो वही करते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए लाइव डेटा आ रहा है अभी के टाइम में। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, हमारा बॉट हमें बता देता है कि लाइव डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये बात है दोस्तों। यहाँ पे कुछ दिखा रहा है, अच्छा हमने प्रीवियस डे के एंट्रीज एंड एग्जिट्स को डिलीट नहीं किए हैं तो इसीलिए ये दिखा रहा है। तो इसीलिए मैं एक बार स्ट्रैटेजी को स्टॉप करता हूँ और एंट्री बुक डिलीट करता हूँ, जो कि हम हमेशा करते हैं, पर आज भूल गए हैं। थोड़ा सा मतलब लेट हो गया इसीलिए हमने भूल गए हैं। तो यहाँ पे पहला कैंडल जो है 9:19 अभी 11 सेकेंड हो रहा है, 9:20 में 5 मिनट का पहला कैंडल क्लोज होने वाला है। पर यहाँ पे मार्केट जो है कम्प्लीटली फ्लैट खुलता हुआ दिख रहा है दोस्तों। 5 मिनट टाइम फ्रेम लगा दिया, 5 मिनट टाइम फ्रेम लगा देता हूँ और एक बार रिफ्रेश करता हूँ। नहीं, उतना फ्लैट नहीं खुला है, थोड़ा सा गैप अप खुला है दोस्तों मार्केट हमारे लिए। एक बार रिफ्रेश करता हूँ। देखिए आज हर वो ब्रोकर थोड़ा सा जाम करेगा अपना अकाउंट। तो यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम में हम ट्रेड कर रहे हैं और बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट जो है ट्रेड हो रहा है, 443 पॉइंट ऊपर ट्रेड हो रहा है। मार्केट ओपनिंग में कितना था आज मैं तो देख नहीं पाया दोस्तों, माफी चाहूंगा उसके लिए, आप लोगों को अपडेट नहीं दे पाया। पर पहला 5 मिनट का कैंडल अभी कंप्लीट होने जा रहा है। तो यहाँ पे 5 मिनट कर लेते हैं थोड़ा टाइम फ्रेम। देखिए 7-8 सेकंड बाकी है कैंडल कंप्लीट होने में। देखिए अभी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से ये अभी 5 PM के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि यहाँ से अगर 5 मिनट कैंडल का लो ब्रेक हुआ तो हमें शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिलने की संभावना हो जाएगी। देखिए हमारा सब कुछ सही से चल रहा है अभी तक तो वेट करते हैं, कोई भी ट्रेड अराइज होता है आप लोगों को अपडेट करता हूं। दोस्तों यहां पे एक अपडेट देना चाहूंगा, पिछले 187 ट्रेडिंग सेशन से हम 1 मिनट टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे थे 5 PM स्ट्रेटजी को, आज कहां पे बना था वो भी एक बार थोड़ा अपडेट दे देता हूं। देखिए यहां पे देखिए अगर आप गौर फरमा के देखेंगे, मार्केट खुला था 5 PM, प्लीज चेक रियल टाइम डेटा इज स्ट्रीमिंग और नॉट, 9:16 का कैंडल बना था, 9:16 के लो के नीचे 9:17 का कैंडल क्रॉस किया था तभी हमारा ट्रेड बन गया था। पर ये 1:2 देने से पहले ही हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया, यानी कि इस ट्रेड में हमारा आज स्टॉप लॉस हिट होता। पर फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आज हमने ट्रेड नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया है? बजट डे के वोलेटिलिटी से हम डील नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ब्रोकर्स भी ऐसे मिलते हैं जो ब्रोकर्स आपको एग्जीक्यूट करने में प्रॉब्लम करवाते हैं। प्लीज चेक रियल टाइम डेटा इज स्ट्रीमिंग और नॉट। देखिए हमारा बॉट अभी बात करने लगा है कि लाइव डेटा चल रहा है कि नहीं, चेक करो। देखिए यहां पे जो अलाइज ब्लू से लाइव डेटा आना बंद हो गया है, और ये दूसरी बार हुआ है आज के डेट में। फिर से हम अपने बॉट को रिस्टार्ट करते हैं और सबसे बढ़िया फीचर हमने इस बॉट में डाला है कि बॉट खुद बोल देगा कि भाई लाइव डेटा नहीं आ रहा है, चेक करो। अगर एक दो बार बोल रहा है तो आप समझ जाना कि पिछले 30-40 सेकंड से लाइव डेटा नहीं आ रहा है। तो हम अभी 5 मिनट टाइम फ्रेम में चले जाते हैं, क्योंकि मैं आपको जैसे ही बोल रहा था कि आज हम 5 मिनट में ट्रेड करेंगे और आज से 5 मिनट में ट्रेड करेंगे, और उसी वजह से मैंने 5 मिनट टाइम फ्रेम लगा के रखा। अभी तक 5 मिनट में कोई भी ट्रेड नहीं आया, तो रिसेंट पॉसिबल ट्रेड हो सकता है वो 9:20 के कैंडल के लो के नीचे हो सकता है दोस्तों। दोस्तों देखिए हमारा जो लॉग बुक है एल्गोहेड बॉट का, यहाँ पे हमें मिल चुका है 9:20 का कैंडल हमें मिल चुका है दोस्तों, जिसका ओपन आई लो क्लोज मिल रहा है। टाइम फ्रेम हमारा 5 मिनट में ट्रेड कर रहे हैं, तो लॉग बुक में ये अभी दिख रहा है दोस्तों। यहाँ पे हम स्ट्रैटेजी टैब में रहेंगे, क्योंकि किसी भी वक्त अगर हमारा
हमारा लाइव डेटा आना बंद हो गया तो उसको रिस्टार्ट करना होता है दोस्तों। ये कॉमन प्रॉब्लम होता है जो कि बहुत सारे ब्रोकर एपीआईज में होते हैं और स्पेशली जब अपना कोई क्रिटिकल डे होता है उसमें बहुत ज़्यादा होते हैं दोस्तों। तो वेट करते हैं थोड़ा सा दोस्तों। अभी देखिए 9:25 का कैंडल बन चुका है, उसके लो के नीचे अगर ये जो करंट कैंडल है वो मूव करता है तो डेफिनेटली 5 मिनट टाइम फ्रेम में हमें एक ट्रेड मिल जाएगा और यहाँ पे हम पेपर ट्रेड कर रहे हैं। ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं कॉन्फ़िगरेशन में जाऊँगा अपने एप्लीकेशन के, यहाँ पे देखेंगे तो मोड है। अब देखिए मोड को पेपर में कन्वर्ट किया, हाँ पेपर में कन्वर्ट किया है मोड को। यहाँ पे दोस्तों देखिए यहाँ पे PNL भी चलना स्टार्ट हो गया है, यानी कि हमारा ऑप्शन बाय हो चुका है जो कि पेपर ट्रेडिंग मोड में बाय हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, एंट्री बुक में चला जाता हूँ, यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन कौन से प्राइस में बाय हुआ है वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए हमारा यहाँ पे जो बाय हुआ है दोस्तों 41,000 का PE बाय हुआ है 2/2/2023 के एक्सपायरी का। एंट्री साइड बाय है पर एंट्री पोजीशन है शॉर्ट टाइप का और एंट्री प्राइस अगर स्पॉट का देख ले 41,095.6 का है एंड यहां पे जो प्रीमियम बाय हुआ है काफी उम्दा प्रीमियम है 428.3 है, मतलब नॉमिनल प्रीमियम है आज के डेट में। पिछले दो दिन से काफी हेवी प्रीमियम जा रहे थे, आज के डेट में बहुत नॉमिनल प्रीमियम है, 428 रुपये नॉर्मल प्रीमियम होता है। बट ऐसे अगर हम देखेंगे नॉर्मल बेसिस पे, आज बुधवार है यानी कि एक्सपायरी के पिछले दिन है, आज भी 400 रुपए का प्रीमियम मिल रहा है। ठीक है, तो इसके ऊपर भी ध्यान देंगे क्योंकि अगर मार्केट आज के डेट में जो है बजट के दिन मूवमेंट नहीं किया तो डेफिनेटली सीवियर टाइम डीके होगा क्योंकि कल एक्सपायरी है। अगर मूवमेंट करता तो डेफिनेटली हमें एक अच्छा आउटकम प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे इस कैंडल के लो के नीचे हमने एंट्री किया था। मैं आपको टारगेट एंड स्टॉप लॉस दिखा देता हूँ जो कि स्पॉट प्राइस में दिखाऊंगा मैं आपको दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो हमारा टारगेट एंड स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे है स्पॉट प्राइस में, वो है 41,177.95 का स्टॉप लॉस है और टारगेट बन के आ रहा है 40,930 का पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 40,848 का, क्योंकि हम पहला टारगेट 1:2, दूसरा टारगेट 1:3 लेते हैं। तो उस हैसियत से यहाँ पे दोस्तों हमारा दो टारगेट जो बन के आया है उसका इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। PNL तो यहाँ पे चल रहा है ऑलमोस्ट अभी 800-900 रुपए चल रहा है, देखिए बहुत हैवीली ये मूवमेंट कर रहा है, अभी 900 चल रहा था, इमीडिएटली इंस्टेंटली 500 पे चला गया, देखिए 300 पे और 100 पे आ गया। दिस वोलेटिलिटी इज वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल फॉर ए न्यू बायर ट्रेडर। मैं एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी आज अवॉइड कर रहा हूँ क्योंकि API प्रॉब्लम्स की वजह से बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं। वेट करते हैं दोस्तों। देखिए हमारा एंट्री होने के बाद वन वे मोमेंटम किया है, पहला टारगेट ये लाइन पे ग्रीन लाइन, दूसरा टारगेट ये दूसरा ग्रीन लाइन है। अभी के टाइम में जो PNL चल रहा है, फिर से बता देना, अगवा कर देना चाहूंगा, आज हम पेपर ट्रेड कर रहे हैं। देखिए ऑलमोस्ट 2500 से 2700 रुपए का PNL अभी चल रहा है दोस्तों, वन वे मोमेंटम किया है और पहला टारगेट हिट होगा तो यहाँ पे होगा, दूसरा टारगेट हिट होगा तो यहाँ पे होगा। 5 मिनट टाइम पीरियड में बहुत बढ़िया टॉप में पूरा सेल दिया था, पर ये टारगेट अचीव होगा कि नहीं होगा ये मार्केट बताएगा, हम नहीं बताएंगे दोस्तों, वेट करते हैं। देखिए दोस्तों, एक टाइम में हमें बहुत अच्छा मतलब 2500 से 3000 का प्रॉफिट दिख रहा था। और देखिए एक बढ़िया इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूँ कि आज मैंने क्यों ट्रेड नहीं किया। यहाँ पे जब एंट्री हुआ था बहुत अच्छा प्रीमियम में एंट्री हुआ था, वापस से मार्केट वो एंट्री प्राइस पे आ चुका है तो यहाँ तक कितना प्रीमियम डीके हो चुका होगा आप देखिए, 400-500 रुपए भी लॉस चल रहा है दोस्तों, क्योंकि वापस से जब आप कॉस्ट प्राइस में पहुंचा भी नहीं है, कॉस्ट प्राइस से भी थोड़ा सा दूर है, तब भी हमें 400-500 रुपए लॉस दिखा रहा है। और ऑप्शन बाइंग में ये एक बहुत बड़ा लैकुना रहता है कि टाइम डीके का इफेक्ट लेता है, वोलेटिलिटी डीके का इफेक्ट रहता है, जो कि हम इंप्लाइड वोलेटिलिटी बोलते हैं, इंडिया विक्स की बात नहीं कर रहे हैं, दोनों में बहुत फर्क है। तो इस कारण के वजह से यहाँ पे देखिए हमें 500-600 रुपए भी लॉस दिखा रहा है, दो लॉट लिए हैं हम, पर कॉस्ट के आसपास ये जो ब्लू लाइन है वो कॉस्ट का लाइन है, रेड लाइन स्टॉप लॉस का लाइन है, पहला ग्रीन लाइन फर्स्ट टारगेट, दूसरा ग्रीन लाइन दूसरा टारगेट का लाइन है। तो यहाँ पे ये लर्निंग डेफिनेटली एक न्यू बायर ऑप्शन ट्रेडर को करना चाहिए कि ऑप्शन की प्राइस किस तरीके से मोमेंटम करता है। अगर आप कंप्लीटली न्यू हो इनटू द मार्केट, इट इज वेरी प्रिफरेबल टू ट्रेड आफ्टर 9:45-10 o'clock, बिकॉज वहां तक मार्केट में जो मतलब जो है ना अशांति है, वो जो मतलब वोलेटिलिटी है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो गया होगा, प्रीमियम थोड़ा सा आपको रीजनेबल रेट में मिल रहे होंगे, उस टाइम पे आप बहुत अच्छा ट्रेड ले सकते हो, पर वहां पे जाहिर सी बात है मोमेंटम कम होता है। एनीवे वेट करते हैं थोड़ा सा, मार्केट हमारा टारगेट लेता है या स्टॉप लॉस लेता है, उसी हिसाब से आप लोगों को अपडेट करवाता हूं।
फ्रेंड्स करेंटली वी आर इन टू 5 मिनट टाइम फ्रेम, जहां पे हमने ट्रेड लिया था 9:25 के लो में, बढ़िया एक मोमेंटम दिया था, हम हमारे टारगेट से जस्ट 20-25 पॉइंट से वापस आ गया और वहां पे अभी कॉस्ट के थोड़ा नीचे मोमेंटम कर रहा है। और यहां पे आप देख सकते हैं इफेक्ट ऑफ ऑप्शंस, देखिए हम अपने एंट्री प्राइस के नीचे आ रहे हैं अभी भी, उसके बावजूद भी हमारा पीएनएल जो लॉस में चल रहा है। क्यों होता है? क्योंकि ड्यू टू द रिडक्शन ऑफ जो है वोलेटिलिटी रिडक्शन होता है और टाइम डीके होता है, क्योंकि आज बुधवार भी है, प्रीमियम बहुत हैवी है, 400 रुपए प्रीमियम एटीएम का बुधवार के दिन, इट इज क्वाइट हैवी फ्रेंड्स। तो इसी वजह से जो है हमारा जो एक टाइम में 3,500 का प्रॉफिट जो चल रहा था वो वाइप आउट हो चुका है। वेट करते हैं वापस अगर टारगेट के आसपास आता है तो डेफिनेटली एक अच्छा टारगेट आज के डेट में हम बुक करेंगे, अगर नहीं आता है रिवर्स जाके स्टॉप लॉस हिट करता है तो उसको एक्सेप्ट करके घर लेकर जाएंगे, नो इश्यूज अबाउट दैट। सो फ्रेंड्स अभी जो है मार्केट कॉस्ट के ऊपर आ चुका है शॉर्ट पोजीशन में, और हमारा करंट पीएनएल क्या चल रहा है वो भी दिखा देता हूं आपको। 1700 से 1800 रुपए का लॉस चल रहा है, देखिए कॉस्ट टू कॉस्ट अभी है मार्केट एग्जैक्टली कॉस्ट के आसपास है, उसके बावजूद भी 1500-1700 रुपए लॉस चल रहा है, एंड दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ वोलेटिलिटी रिडक्शन या आईवी क्रैश जिसको आप बोल सकते हैं। अगर मार्केट जो बजट के कारण जो गैप अप खुला उसमें आईवी बहुत ज्यादा बढ़ा था, हमने हेवी आईवी में हमने इसको बाय किया था, पर उसके बाद क्या हुआ देखिए दोस्तों, कॉस्ट के आसपास भी 1500 रुपए का लॉस दिख रहा है, यानी कि अगर आप कैलकुलेट करें दो लॉट में, प्लीज चेक रियल टाइम डेटा इज स्ट्रीमिंग और नॉट, 50 रुपए का लॉस, यानी कि आप समझ सकते हैं कि 30-30 पॉइंट की प्रीमियम डिकेज हो चुके हैं एक एक लॉट्स में। देखिए वापस से आ चुका है कॉस्ट के नीचे हमारे डायरेक्शन में, अब देखते हैं क्या लाइव एलटीपी चल रहा है उस प्रीमियम का, एक बार चेक कर लेता हूं मैं। इसका एलटीपी चल रहा है ऑलमोस्ट 405 रुपए के आसपास, 428 की बाइंग हुई थी, यहां पे अगर हम देखेंगे हमारे एप्लीकेशंस में 428 की बाइंग था वहां पे, यस एग्जैक्टली 428.3 का एवरेज प्राइस था हमारा बाइंग प्राइस, अभी 405-404 चल रहा है दोस्तों, अब वापस से ये आ गया हमारे डायरेक्शन में। वेट करते हैं थोड़ा सा किस तरह का मोमेंटम देता है, आप लोगों को अपडेट करूंगा। फ्रेंड्स हमारा जो रिसेंट लो लगा था उसके नीचे मार्केट आ चुका है, यानी कि हमारा अच्छा अभी पीएनएल चल रहा होगा। देखिए 1500 रुपए का पीएनएल अभी चल रहा है, 1700 के आसपास चला गया है, बट सही में बता रहा हूँ ये पीएनएल बहुत आगे गया था, यहाँ तक जब आया था तब भी 2700-2800-3000 का प्रॉफिट दिख रहा था, पर अभी हमारा पहला टारगेट होने के कगार पर आ गया है। मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ कि हमारा ये चल रहा है कि नहीं ट्रेड मैनेजर स्ट्रैटेजी मैनेजर लूप, जी हाँ चल रहा है, जैसे ये लाइन को टच करेगा मार्केट हमारा जो है 50% क्वांटिटी बुक हो जाएगा और स्टॉप लॉस जो है वो कॉस्ट को ट्रेल हो जाएंगे, तो उसके बाद नेक्स्ट टारगेट ये रहेगा। वेट करते हैं दोस्तों यहां तक जाता है कि नहीं जाता है। दोस्तों देखिए हमने 5 मिनट टाइम फ्रेम में जो ट्रेड लिया था 9:25 के लो पे, वो ट्रेड बहुत अच्छी तरह से हमारे टारगेट के तरफ जा रहा था, पर वहां से 10-15 पॉइंट से ही चूक के वापस आ गया है और अभी स्टॉप लॉस के आसपास जाके मंडरा रहा है। अभी के टाइम में जो पीएनएल चल रहा है मैं आपको एल्गोहेड बॉट आपके ऊपर दिखा देता हूं, 2900 से 3,000 रुपए का लॉस अभी चल रहा है। क्यों चल रहा है ये लॉस? क्योंकि हमने जो सुबह के टाइम में जो बाइंग किया था वहां पे हमने हाई इंप्लाइड वोलेटिलिटी में बाई किया था, मतलब ऑप्शन प्रीमियम में ऑलरेडी आईवी ज्यादा था, तो उस टाइम के बाद जो है अभी 9:25 से लेकर 10:15 मतलब ऑलमोस्ट 1 घंटे का टाइम होने जा रहा है, तो बुधवार का टाइम है, 1 घंटे का टाइम डिके, इंप्लाइड वोलेटिलिटी रिडक्शन, ये दोनों इफेक्ट को मिला के अभी हमें बहुत अच्छा खासा लॉस हो रहा है दोस्तों। ये बोलने के लिए थोड़ा मुश्किल होता है बट बोलना पड़ता है दोस्तों। यहाँ पे अभी मंडरा रहा है, इसके थोड़ा ऊपर हमारा स्टॉप लॉस प्राइस है, जैसे ही स्टॉप लॉस प्राइस के पास जाएगा हमारा जो एल्गोएड बॉट ऐप है वो ऑटोमेटिकली हमारा पोजीशन काट लेगा। थोड़ा सा मैं देखता हूँ कि लाइव डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ब्लैक स्क्रीन में, जी हाँ वेबसॉकेट का डेटा भी चल रहा है, ट्रेड मैनेजर स्ट्रैटेजी मैनेजर लुक दोनों काउंट में है, पीएनएल और लाइव डेटा सही तरीके से डिस्प्ले कर रहा है, यानी कि अभी सब कुछ सही है। मॉर्निंग में 2 बार वेबसॉकेट डिस्कनेक्ट हुआ था, पर हमारे बॉट का एक उम्दा फीचर यह है कि जब भी वेबसॉकेट डिस्कनेक्ट हो जाता है वो एक वॉइस कमांड के साथ बोलता है कि भाई वेबसॉकेट डिस्कनेक्ट हो गया है, फिर से रिस्टार्ट कर दो बॉट को, और विद इन 2 से 4 सेकंड वो रिस्टार्ट भी हो जाता है, बटन एक स्टॉप दबाना है फिर स्टार्ट दबाना है, दैट्स इट। यहाँ पे ये दोनों बटन है, स्टॉप करके फिर से स्टार्ट दबा देना है।
अब देखिए 3,000 के आसपास स्टॉप लॉस चल रहा है, काफी स्टॉप लॉस के काफी करीब हमारा चला गया है। एंड वेट करते हैं थोड़ा सा क्या मोमेंटम दिखाता है मार्केट फर्दर। फ्रेंड्स वापस से स्टॉप लॉस के आसपास मार्केट आ चुका है, ये जो रिसेंट हाई मारा है 41,164 का मारा है, हमारा स्टॉप लॉस 41,177 पर अभी है करेंटली। तो वेट करते हैं क्या होता है, प्राइस तो उसी के आसपास 10-15 पॉइंट नीचे उसी से चल रहा है, स्टॉप लॉस प्राइस के नीचे। काटना है तो काट ले। पीएनएल, करंट पीएनएल आपको बता रहा हूँ, देखिए 3,800 रुपए का लॉस चल रहा है। देखिए कितने स्पीड जो है डीके हो रहे हैं अभी प्रीमियम्स, 3,600-3,800 रुपये अभी लॉस चल रहा है। और मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट 4,500 के आसपास का लॉस में ये जो ट्रेड है एंड अप होगा, अगर ये स्टॉप लॉस हिट होता है तो वो तो दिख ही रहा है स्टॉप लॉस के बहुत आसपास खड़ा है। बट आई हैव फेस्ड सच डेज जब स्टॉप लॉस 50-60 पैसे से मिस हुआ और वापस से आके बड़े बड़े टारगेट्स दिए हूँ। तो मैं ये सारी चीज़ों में थोड़ा बिलीव नहीं करता हूँ, अपने आप को अभी इमोशनली उतना ज़्यादा पक्का कर लिया हूँ कि ये सारी चीज़ों से मेरे को इफेक्ट तो पड़ता ज़रूर है, ऐसा नहीं कि इफेक्ट नहीं पड़ता है, बट वो इफेक्ट कम पड़ता है। तो लेट सी, और थोड़े पॉइंट्स बाकी हैं, 12 पॉइंट दूरी पर है अभी 65, 62 वहीं पे चल रहा है। ये जो मार्केट डराता है ना, ये सबसे ज्यादा मतलब जो है खौफनाक चीज होता है। देखिए 67 गया था, 10 ही पॉइंट दूर है। डराओ मत भाई, ले लो काट लो। 41,170 आ गया दोस्तों, 177 पे स्टॉप लॉस है, और ये काटेगा शायद, स्पीड से ऊपर भागेगा आई थिंक। 41,170, थोड़ा सा यहाँ पे चार्ट रुक गया है, इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया क्या, देखता हूँ एक बार, नहीं इंटरनेट तो कनेक्टेड है। ये चार्ट थोड़ा सा रुक गया है, मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ यहाँ पे कि हमारा चल रहा है कि नहीं ये वाला। जी हाँ चल तो रहा है, बट चार्ट्स में कोई मोमेंट नहीं दिख रहा है। देखिए दोस्तों चार्ट अभी काम नहीं कर रहा है, पीएनएल ऑलमोस्ट स्टॉप हो गए हैं पता नहीं क्यों। देखिए दोस्तों डेटा आना बंद हो गया है, देखिए दोस्तों दिस इज द इशू। एक्चुअली नो इंटरनेट एक्सेस दिखा रहा है मेरे फोन में, एक्चुअली डेटा को दोष नहीं दूंगा, उसको वेट करते हैं थोड़ा सा, कंटिन्यू करते हैं। एक्चुअली 500 MB डेटा चला गया है इसीलिए ऐसा हुआ है। एक्चुअली स्टॉप लॉस कट जाना चाहिए था, बट समहाउ और दी अदर 500 MB का जो मैंने ये रखा था उसी के वजह से ये चीज़ हुआ है। अब देखिए अभी स्टॉप लॉस एग्जिट हुआ, अभी स्टॉप लॉस एग्जिट का मेरे पास नोटिफिकेशन आ गया है। जी हाँ अब देखिए एग्जिट हो गया है, एक सेकेंड एक बार मैं देख लेता हूँ दोनों के पोजिशन एग्जिट हो गए हैं कि नहीं। जी हाँ एग्जिट हो चुका है, 332 और 333 के भाव में एग्जिट हो गया है, जिसको हमने बाय किया था 428 के भाव में, दो लॉट बाय किए थे। देखिए 428 के भाव में दो लॉट हमने बाय किया था, और यहाँ पे हमारा जो दो लॉट अभी कट चुका है, एक 332.4 में, एक 333.8 में कट चुका है दोस्तों, यानी कि ऑलमोस्ट 100 पॉइंट हर एक लॉट में लॉस हुआ है। और हमारा जो ये लेबल है वो कट चुका है दोस्तों, यहाँ पे ये जो लेबल है वो ब्रीच हो चुका है, जो हमारा स्टॉप लॉस है वो भी हिट हो चुका है। तो इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करता हूँ यहीं पे, थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया उसके लिए माफी चाहूंगा, पर आज के डेट में हमने पेपर ट्रेड किया, कोई रियल मनी आज के डेट में हमने लॉस नहीं किया है। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे खत्म करता हूँ दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।